आज हम आपके लिए लेके आए एक ऐसी जादुई मैजिकल टाइप मशीन है जो आप एक मशीन के दाम में आप चार काम अपने घर से शुरू कर सकते हैं। यानी कि पैसा तो आप एक मशीन का लगा रहे हैं, पर जो आपकी कमाई होने वाली है वो चार गुना होने वाली है। और आप उस कमाई को चार गुना कैसे कर सकते हैं वो हम आपको इस मशीन के बारे में बताएंगे। हम आपको जो अभी मशीन दिखा रहे हैं वो सीधे आप हमारी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट से देख रहे हैं। आप अभी देख रहे हैं कि मशीन ये जो, अगर आप चाहते हो कि आप इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्लीपर बनाओ तो वो भी आप इस मशीन में बना सकते हो। अगर आप किसी सामान की पैकिंग करना चाहते हो इस तरीके से तो वो भी आप इस मशीन में कर सकते हो। यहाँ तक कि आप इसी मशीन में आप इस तरीके के डोने भी बना सकते हो, पेपर प्लेट्स बना सकते हो, यहाँ तक कि थाली भी बना सकते हो। अलग मशीन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके की एम्बोजिंग किसी चीज़ पे करना चाहते हैं, सिर्फ स्लीपर पे ही नहीं, किसी भी सामान पे आप एम्बोजिंग करना चाहते हैं वो भी आप इसी मशीन। हमारा अभी ऑन है, इसको ऑफ करेंगे, ये ऑफ हो गया है, मोटर ऑन करेंगे। मैम पिछली बार हमने क्या किया था, हमने ऑटोमेटिक करके दिखाया था। हाँ जी बिल्कुल, हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक पे चलाया था, अभी हम मैनुअल पे चला रहे हैं इसको। ठीक है। मैं जब तक डाउन का बटन नहीं दबाऊंगी, ये जो हमारा बुश है, हीटिंग प्लेट है हमारी, ये नीचे नहीं जाएगी। अभी मैं डाउन का बटन दबाऊंगी तभी ये नीचे जाएगी। जी ये देखिए, ओके ये देखिए, तो मतलब आप मैनुअल मोड में पूरा काम इस पे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैनुअल मोड पे भी अगर काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, अगर आप इसको अप करना है यहाँ पे तो यही बटन दबा के इसको उठाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑटो मोड पे भी काम करेगा ना प्रॉपर। ये ऑटो मोड के लिए हमने टाइमर लगा रखा है, आप टाइम सेट कीजिए और आपका बिल्कुल आराम से। ये देखिए कटिंग हो चुकी है, आपको दिखा दूं मैं यहाँ पे, जो आप नीचे का सोल है जो पूरा ये निकल के आ गया, देखिए फ्लिप फ्लॉप का जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। जी काफी नीट एंड क्लीन, ये देखिए आपको इसका फिनिश। तो मेगा जी मेरे साथ है यहाँ पे एसटी थर्मोफॉर्मर से। मैम कैसे हैं सबसे पहले तो? मैम मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मैम आज बेसिकली किस टाइप की मशीन लाए हैं सबसे पहले तो बात करें यहाँ पे? ये जो मशीन आपके सामने आप देख रहे हैं यही मशीन हम आपको दिखाने वाले हैं। छोटी सी हमारी बहुत ही काम की मशीन है, ऑल इन वन मशीन इसको हम कहते हैं। ठीक है। ऑल इन वन मशीन हम इसको क्यों कहते हैं वो भी हम आपको आज बताएंगे। ठीक है। और मैम बात करें जैसे कि एसटी थर्मोफॉर्मर किन किन मशीनों के अंदर डील करता है, किस किस टाइप की मशीन अपने पास? एसटीसी थर्मोफॉर्मर्स हर टाइप की मशीन्स में डील करता है। हम बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स में आते हैं और हम अपनी मशीन एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो आपको जिस भी टाइप की मशीन, चाहे आपको मैन्युफैक्चरर करानी है या बनी बनाई लेनी है या रॉ मटेरियल आप हमसे लेना चाहते हैं, उन सब चीज़ों में एसटीसी थर्मोफॉर्मर्स डील करता है। ठीक है। आज जो बेसिकली मशीन है ये ऑल इन वन मेकिंग मशीन है, तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो हम बना सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले? देखिए अभी तो मैं आपको चार प्रोडक्ट गिनवाऊंगी जो आप इस मशीन पे बना सकते हैं। पहला काम जो ये मशीन करती है वो है पेपर प्लेट बनाने का, दूसरा है पेपर दोने बनाने का, तीसरा आप इस पे स्लीपर भी बना सकते हैं और आप इस पे ब्लिस्टर पैकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ब्लिस्टर पैकिंग भी इसके अंदर हो जाएगी, मतलब तीन काम इस मशीन के अंदर हो जाएंगे यहाँ पे अगर बात करते हैं यहाँ पे। और मैम जैसा कि इसकी थोड़ी सी बात करें, ये कितने की आती है मशीन, कितने के आसपास होती है लगभग, थोड़ा सा इसका? देखिए हमारी ये जो मशीन है ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आती है, यानी कि कोई भी मिडिल क्लास आदमी इसको बहुत ही आराम से अफोर्ड कर सकता है। और रेंज जानने के लिए तो आपको हमारे ऑफिस में कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। इसमें भी काफी अलग अलग प्राइस रहते होंगे मैम, ऐसा है क्या? हमारे पास जो मशीनें हैं वो मशीनें 20,000 से शुरू हो जाती हैं और आगे हमारी मशीनों की कोई मैक्सिमम रेंज नहीं है। वो जैसे जैसे आप काम बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो प्राइस बढ़ता जाता है। और ये अपनी ब्रांड के अंदर ही बनाते हैं हम। हाँ जी बिल्कुल, जितने भी बनाते हैं। और मैम ये जो है लघु उद्योग से प्रॉपर रजिस्टर्ड करा के दी जाएगी मैम, जितनी भी मशीन ये दिखा रहे हैं मैम यहाँ पे? जी बिल्कुल, जो भी ये मशीन प्रोडक्ट बनाएगी वो लघु उद्योग में आता है। आपको इस मशीन के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बता देती हूँ कि ये मशीन जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो FMCC प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि फास्ट मूविंग गुड्स होते हैं। ओके। और इस मशीन के लिए आपको अलग से किसी मीटर को लगवाने की जरूरत नहीं है। घर की जो घरेलू बिजली होती है, सिंगल फेज की जो बिजली होती है, उस पर ये मशीन काम करती है। अलग से कोई बड़ा कमरा लगवाने की जरूरत नहीं है, बनवाने की जरूरत नहीं है, यानी बहुत कम आवाज करती है ये मशीन। और अभी हम इसको आपको चला के दिखाएंगे कि ये मशीन कैसे काम करती है और क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। प्रोडक्शन की बात करें लगभग कितना प्रोडक्शन एक दिन में निकाल देती होगी हम जैसे प्रोडक्शन? देखिए प्रोडक्शन जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस मशीन को कितने घंटे चलाते हैं। वैसे ये जो पेपर प्लेट का प्रोडक्ट है वो 500 पीस एक घंटे में ये बना के तैयार कर देती है। ठीक है। और अगर स्लीपर्स की बात करें, स्लीपर्स भी आप बता रहे हो उसके अंदर बन जाते हैं, तो उसमें भी काफी अच्छी क्वांटिटी उसमें भी निकल जाती होगी? जी जी बिल्कुल। और मैम ये कितने घंटे चला सकते हैं दिन में? ये 24 घंटे भी यूज कर सकते हैं इसका हमें करना चाहिए? बिल्कुल, आप 24 घंटे इसको यूज कर सकते हैं, बट हर मशीन की अपनी एक लिमिट होती है कि अगर आप उसको 8 से 10 घंटे चलाएं तो ही मशीन आगे बढ़िया बनी रहती है। ठीक है, हैवी ड्यूटी मशीन है जितनी भी यहाँ पे ये होने वाली है यहाँ पे।
और सारा जो प्रोडक्ट यूज़ किया गया ब्रांड का ही इसके अंदर यूज़ किया गया जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छा मतलब मार्जिन इस बिज़नेस में कोई कमा सकता है अगर इस ये वाला बिज़नेस कोई करता है यहाँ पर तो। पहले इसमें प्रोडक्ट दिखाने वाला कि कौन कौन सी पेपर प्लेट्स इसके अंदर बन जाती है। तो बेसिकली जो अभी हम डेमो दे रहे थे वो उसमें बफर प्लेट का दे रहे थे, बाकी हम और कौन कौन सी प्लेट्स इसके अंदर बन जाती है बात करें। देखिए नॉर्मल पेपर प्लेट से लेके आप बफे लेके रिंकल लेके आप सभी तरीके के पेपर प्लेट विद डोना, सभी तरीके के डोना जो पेपर से बनते हैं वो आप इस मशीन में बना सकते हैं। ठीक है, 4 इंची से लेकर के 14 इंची तक हर तरीके की प्लेट आप इसमें बना सकते हो। ठीक है, फिर वो अरेका लीव्स हो, पेपर प्लेट हो, या फिर जो हमारी सिल्वर शाइन वाली प्लेट आती है लेमिनेशन वाली, वो भी आप इसमें बना सकते हैं। मतलब हर टाइप की बात करें सब टाइप की प्लेट्स बन जाएगी हर साइज के अंदर यहाँ पे बन जाएगी यहाँ पे। हाँ जी, तो डाई भी अलग अलग यूज होती होगी मैम उसके अंदर। जी जी बिल्कुल, हर साइज के हिसाब से यहाँ पर ये डाई चेंज होती है। एक डाई आपको सेटअप के साथ में मिलती है, बाकी अगर आपको अपने हिसाब से लेनी है तो वो आपको मशीन से अलग लेनी होती है। ठीक है, वो अलग से परचेज करनी पड़ेगी। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे और भी थोड़ी चीजें दिखा देते हैं जैसा कि आप देख ही रहे हैं। बाकी यहाँ पे ये देख सकते हैं बहुत ही मतलब खूबसूरत, मतलब बहुत ही अच्छी मशीन आपको मिल जाती है। काफ़ी सारी मशीनें आपने मार्केट में देखी होगी लेकिन जो इसकी क्वालिटी है वो अलग मिल जाती है थोड़ी सी आपको। यहाँ पे ये देख सकते हैं थोड़ा सा हम बताइए जैसा कि ये कौन क्या ये हमारा मशीन का पैनल है। ठीक है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिंपल सा हमने पैनल बनाया है कि किसी को समझने में या चलाने में कोई मुश्किल ना हो। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक लॉक सिस्टम दिया हुआ है, आप इसको लॉक कर सकते हैं या अनलॉक कर सकते हैं। हमारा इंजीनियर, हम वैसे वीडियो में समझा रहे हैं बट फिर भी जब आप मशीन लेते हैं तो इंजीनियर हमारे यहाँ से जाता है, वो आपको इस मशीन के बारे में आपके घर जाके पूरी जानकारी दे के आएगा, प्रॉपर गाइड किया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर हम बटन्स के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। ये इमरजेंसी ऑन एंड ऑफ का बटन है। ठीक है, आप इसको घुमाएंगे तो ये ऑन एंड ऑफ होता है। ये देखिए अभी ये ऑन हो गया है, यहाँ मैं मोटर ऑन करूंगी तो ये मोटर ऑन हो जाएगी। मोटर ऑन होती है तो यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर दिया जाता है। ये देखिए अभी मैं इसको स्टॉप करूंगी तो इंडिकेटर ऑफ हो गया है। ओके ठीक है, अभी हम पेपर प्लेट के बारे में देख रहे थे, उसमें हमें अप एंड डाउन करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने इसको ऑटो पे कर रखा था। यहाँ पर ऑटो और मैनुअल दो मोड दिए जाते हैं मशीन के लिए, आप इसको ऑटो पे भी चला सकते हैं और मैनुअल पे भी चला सकते हैं। अप एंड डाउन के लिए यहाँ पर दो मोड दिए जाते हैं, दो बटन दिए जाते हैं। हीटिंग प्लेट के लिए आपको यहाँ पर नोजल मिल जाता है और एक वोल्ट मीटर मिल जाता है जिससे आपको पता लगे कि आपकी मशीन में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए मतलब और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इससे बन जाते हैं। हम नेक्स्ट प्रोडक्ट भी एक बार शो कर देते हैं क्या बनता है यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल। ओके मैम, मशीन सेम है और अब इसके अंदर हम दूसरा क्या काम करने वाले हैं? सबसे पहले तो अब ये बताइए। अब देखिए अभी हमने इसमें पेपर प्लेट बना के दिखाई थी, अब हम इसमें आपको ब्लिस्टर पैक करके दिखाएंगे। अभी तो हम आपको जूना पैक करके दिखा रहे हैं बट मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ जूना ही नहीं, आप इसमें पेन ड्राइव हो, टॉयज हो, पेन हो, कुछ भी तरीके का आप सामान है, ड्राई फ्रूट है या कोई भी सामान है, आप इसमें पैक कर सकते हैं। और वो पैक कैसे होगा वो मैं आपको अभी करके दिखाने वाली हूं। ठीक है, ब्लिस्टर पैकिंग होती क्या है एक बार वो भी दिखा दीजिए, किस चीज को ब्लिस्टर पैकिंग कहते हैं यहाँ पे वो भी आपको दिखा देते हैं, कई लोगों को नहीं समझ आ रहा हो तो वो बता दूं किस तरीके की पैकिंग होती है। इसके अंदर स्क्रबर सारे पैक करे जाएंगे। ये देखिए ये जो आप ये कटोरी टाइप देख रहे हैं इसको हम ब्लिस्टर कहते हैं। ये अलग अलग साइज का और शेप्स का आता है, आपको जो भी सामान पैक करना है आप उसके साइज का शेप का बनवा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ये टॉय गन पैक हो रखी है तो इसके लिए ब्लिस्टर हमने अलग से बनवाया है। ओके ओके, मतलब किसी को भी अपनी ब्रांड में कोई भी चीज पैकिंग करवानी है तो ये मशीन वो काम करेगी। यहाँ पर चाहे आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लो, स्टेशनरी आइटम्स ले सकते हो या फिर और कोई भी आइटम्स जो आप पैक करवाना चाहो तो वो इस मशीन से आप पैक कर सकते हो। मतलब हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, आप किसी भी तरीके का सामान आप पैक कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो हम इसमें आपको जूना पैक करके दिखा रहे हैं और ये कैसे पैक होगा वो मैं आपको बताती हूं। तो ये सारा रॉ मटेरियल जैसा कि ये छोटी छोटी आइटम पैक करने वाला ये भी सब अपने पास मिल ही जाता है मैम टोटल? जी बिल्कुल, आपको जितना भी मशीन से लेके रॉ मटेरियल तक जितना भी सामान आपको लगेगा वो सारा सामान आपको हमारे पास मिलता है। और सिर्फ खाली मशीन ही नहीं, अगर आपके पास कहीं से मशीन अवेलेबल है, आपने ले रखी है, आपको रॉ मटेरियल की जरूरत है, उसके लिए भी आप हमारे पास कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टोटल रॉ मटेरियल इन हाउस दे देंगे अब यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। जी जी जी, आगे बढ़ते हैं। हम कुछ दिखा रहे थे यहाँ पे, ये देखिए अब ये जो है यहाँ पे स्क्रबर पैकिंग आज अब करके दिखा रहे हैं। स्क्रबर किस तरीके से पैक होते हैं यहाँ पे देखिए, जैसे जूना भी कहते हैं यहाँ पे, इस तरीके की डाइयां होती हैं हमारी, अलग अलग डाई रहेगी हर प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पे हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डाई होती है। ठीक है, तो एक डाई कितनी दी जाएगी साथ में फिलहाल? अगर देखिए मशीन के साथ में आपको एक पेपर प्लेट की डाई दी जाती है, एक ब्लिस्टर पैकिंग की डाई दी जाती है। ठीक है, बाकी आपको पे करके आपको लेनी पड़ेगी जो यहाँ पे।
ठीक है यहाँ पे, उसी को ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, जो भी कम से कम कॉस्ट होती है वो आपको यहाँ से लगा के मिल जाएगी। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को पैक करना चाहते हो इजीली इस मशीन से पैक कर सकते हो और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो यहाँ पे। मैम अगर बात करें लमसम, मतलब एक अप्रॉक्सीमेटली कितना, मतलब एक दिन में ये मशीन पैक कर देती होगी, बात करें यहाँ पे? देखिए एक कार्ड जो है वो इस मशीन को पैक करने में मात्र 2 से 3 सेकंड लगते हैं, तो फिर आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अगर 8 घंटे इस मशीन को लगाएंगे या चलाएंगे तो आप कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे। एक घंटा मान के चले अप्रोक्सीमेटली 500 के आसपास। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत आराम से जी। यहाँ पे बहुत ही अच्छी मशीन है ये जो आपको मिल जाती है, और रेट आपको जानना है आप व्हाट्सएप पर जाकर इसका प्राइस जान सकते हैं। इनके पास एक मशीन नहीं है, बहुत सारी मशीनें मिल जाएंगी आपके, जो भी यूज़ होती हैं वो चीज़ें सारी आपको मतलब यहाँ पे मिलेंगी जो भी मार्केट के अंदर है यहाँ पे। और इसकी पैकिंग भी आपको मैं प्रॉपर करके दिखाऊंगा किस तरीके से ये प्रॉपर पैक होता है यहाँ पे। ये देखिए अभी हमने इसमें ब्लिस्टर लगा लिया है, इसमें जूना रख लिया है, इस तरीके के कार्ड्स होते हैं। अच्छा, ये कार्ड कोई भी किसी भी ब्रांड में बनवाना चाहे मतलब, हाँ, तो ये प्रॉपर आप बना के देंगे। मिनिमम क्वांटिटी होती है कि आपको कम से कम इतना क्वांटिटी में ही बनवाना पड़ेगा, जब आप अपने नाम से बनवा सकते हैं। ऐसे नहीं होगा कि आपने 50 कार्ड बनवाने हैं तो वो आपके नाम से बन जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। आपने हमेशा ये चेक करना है कि ये जो हमारा कार्ड है वो हमारी डाई के साथ अलाइन होना चाहिए, आगे पीछे नहीं हो। ठीक है, वापस आ जाते हैं हम अपने पैनल के ऊपर जी यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से हम इस मशीन को कैसे ऑपरेट करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इमरजेंसी स्विच हमारा अभी ऑन है, इसको ऑफ करेंगे, ये ऑफ हो गया है, मोटर ऑन करेंगे। मैम पिछली बार हमने क्या किया था, हमने ऑटोमेटिक करके दिखाया था। हाँ जी, बिल्कुल, हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक पे चलाया था, अभी हम मैनुअल पे चला रहे हैं इसको। ठीक है, मैं जब तक डाउन का बटन नहीं दबाऊंगी ये जो हमारा बुश है, हीटिंग प्लेट है हमारी, ये नीचे नहीं जाएगी। अभी मैं डाउन का बटन दबाऊंगी तभी ये नीचे जाएगी जी। ये देखिए, ओके, ये देखिए, तो मतलब आप मैनुअल मोड में भी पूरा काम इस पे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैनुअल मोड पे भी अगर काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, अगर आप इसको अप करना है यहाँ पे तो यही बटन दबा के इसको उठाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑटो मोड पे भी काम करेगा ना प्रॉपर। ये ऑटो मोड के लिए हमने टाइमर लगा रखा है, आप टाइम सेट कीजिए और आपका बिल्कुल आराम से। ये देखिए प्रोडक्ट डिपेंड करेगा, अलग अलग टाइम हर प्रोडक्ट का रहता है। यहाँ पे ये देखिए प्रॉपर पैकिंग हो गया, देखिए यहाँ पे निकल गई, फिनिशिंग देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए मतलब काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर आप इसको करते हैं तो। देखिए प्रॉफिट जो होता है वो हमारा डिपेंड करता है मार्केटिंग के ऊपर। मशीन हमारी जो होती है वो आपको खाली प्रोडक्ट बना के दे सकती है, आप उसमें स्लिपर बनाइए, आप उसमें पेपर प्लेट बनाइए, पेपर दोने बनाइए, या फिर पैकिंग का काम कीजिए, मशीन आपको खाली प्रोडक्ट बना के देगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मार्केटिंग स्किल्स कितनी ज्यादा अच्छी है। एरिया भी डिपेंड करता है जी, कौन से एरिया पे काम कर रहे हो आप यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप इसमें बहुत सारी चीज़ें पैक कर सकते हैं, टॉयज पैक करना चाहें टॉयज भी आप इसके अंदर पैक कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आप पैक करना चाहते हो कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला क्या प्रोडक्ट ये मशीन के बनाती है? आगे हम इसी मशीन पे आपको स्लीपर कैसे आप तैयार करेंगे वो हम आपको तैयार करके दिखाएंगे। देखिए अभी हमने इसमें पेपर प्लेट बना के देखी, हमने स्क्रबर पैक कर लिया, अब इसमें हम आपको स्लीपर कैसे बनेंगे, आप कैसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आप स्लीपर कैसे आप एक ही मशीन में बना सकते हैं जी। ये देखिए, और इसका रॉ मटेरियल भी अगर आपको चाहिए ये भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे साथ में। जी बिल्कुल, यहाँ आपको सारी स्ट्रैप और सोल से लेकर स्टिकर से लेकर, या आपके पास कोई प्लेन शीट है उसको आप कलरफुल बनाना चाहते हैं, स्लीपर का पेंटिंग मटेरियल जो होता है सब कुछ हमारे पास आपको अवेलेबल कराया जाता है। किस तरीके से कटिंग होती है थोड़ा सा वो भी दिखाइए। हाँ जी बिल्कुल, अभी हम आपको डेमो करके दिखाएंगे कि हमने ये जो प्लेट थी हमारी, ठीक है, हमने उसको चेंज कर लिया है। इस तरीके की अलग अलग साइजेस की डाइयां होती हैं जिसे आप अलग अलग शेप्स साइजेस में आप अपनी स्लीपर बना सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे, अब इसको प्रॉपर हम दिखाएंगे किस तरीके से वर्क करेगा। मैनुअल मोड पे चलाएंगे हम इसको, मैनुअल मोड पे चलाएंगे। पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं, इमरजेंसी ऑफ कर लिया है, मोटर ऑन कर लिया है। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो डाई है वो आपके बुश के साथ में बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। ठीक है, हम इसे डाउन करेंगे। ओके, ये देखिए प्रॉपर कटिंग आएगी, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे इस तरीके की कटिंग इस मशीन के साथ आपको निकलेगी यहाँ पे। जी जी, तो ये कटिंग हो चुकी है, आपको दिखा दूँ मैं यहाँ पे, जो आप नीचे का सोल है जो पूरा ये निकल के आ गया, देखिए फ्लिप फ्लॉप्स का जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे जी, काफ़ी नीट एंड क्लीन। ये देखिए आपको इसमें फिनिशिंग के साथ कटिंग हुई है, और मैम और भी सामान साथ में दिया जाएगा इसके साथ? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, पूरा स्लीपर का जो आपका सेट होता है ये देखिए, आपने साथ में देखा होगा कि ये कितनी स्मूथ फिनिशिंग आई है। इस जो स्लीपर बनाने का जो सेटअप होता है उसमें आपको 15 डाइयां मिलती हैं, उसके साथ में एक स्ट्रैप टेबल आपको दी जाती है। ठीक है,
स्ट्रैप अलग से लगेगी मतलब। हाँ जी बिल्कुल जी, और कटिंग देख सकते हैं काफी साफ सुथरी और फिनिशिंग वाली है। बाकी अगर रॉ मटेरियल हर क्वालिटी का आपको एक ही छत के नीचे प्रोवाइड करवा देंगे, यहाँ पे अलग अलग डाइज आपको मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट जो स्टेप आ रहा है हम क्या आ रहा है इसके बाद देखिए, अभी हमने स्लीपर बना के देखी थी, अभी हम पूरी स्लीपर को कैसे तैयार करना है वो हम देखेंगे। ये जो हमने व्हाइट सब्सटेंस देखा है ये सिलिकॉन है। ओके, सिलिकॉन आ जाएगा। हाँ जी, ये सिलिकॉन किस लिए यूज होता है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये जो स्ट्रैप है जब नीचे जाती है तो इसमें फटने का डर रहता है। ओके, तो ये हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगाते हैं स्लीपर पे, ताकि जो हमारा स्ट्रैप है वो आसानी से आर पार हो जाए। ठीक है, यहाँ पर तो इसे कुछ खराब नहीं होती मतलब स्लीपर। हाँ, बिल्कुल सोल खराब नहीं होता है। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये टेबल भी आपको मशीन के सेटअप के साथ अवेलेबल कराई जाती है, ये इंक्लूड होगा इसके अंदर प्रॉपर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पूरा सब कुछ मिलेगा, मतलब एक मशीन के अंदर तीनों ही काम आपके यहाँ पे हो जाएंगे। तो काफी ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा कि हम एक सिलिकॉन की कोटिंग चप्पल तैयार होने के बाद उसके ऊपर करते हैं। वो इसलिए करी जाती है क्योंकि सिलिकॉन जो हमारा है वो एक चिकना सब्सटेंस होता है, तो वो हमारी चप्पल में एक शाइन देता है, थोड़ी सी क्वालिटी इम्प्रूव कर देता है, ताकि दिखने में भी अट्रैक्टिव लगे। और इसको पैकिंग करने का सारा सामान भी अपने पास, पैकिंग करने के लिए आपको हमारे पास पीवीसी की पॉलिथीन भी अवेलेबल होती है और बॉक्सेस भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, स्ट्रैप्स भी यहाँ पे मिली जाएगी, स्ट्रैप्स भी आपको मिलती है, सोल भी मिलते हैं, स्टिकर्स भी मिलते हैं, पेंटिंग मटेरियल भी आपको यहाँ मिलता है। मतलब की जितना भी सामान आप इसमें बना रहे हैं उन सबका रॉ मटेरियल जो है सारा, उसके लिए आपको किसी और इंसान के पास धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे पास एक कॉल कीजिए और अपना ऑर्डर बुक कीजिए, आपका सारा सामान यहाँ से ही जाएगा जी। यहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, प्राइस जानना है तो प्राइस व्हाट्सएप पे दे दिए जाएंगे, अपडेट जी कर दिए जाएंगे यहाँ पे। प्राइस के लिए आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, हमारे जितने भी नंबर्स हैं वो आपको स्क्रीन पे अवेलेबल कराए जा रहे होंगे और सेम नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। आप मशीन अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो कॉल करके भी आप अपनी मशीन देख सकते हैं। यही मशीन नहीं, हमारे पास जो मशीन है वो 20,000 से शुरू हो जाती है, तो अगर आपका ये मशीन लेने का बजट नहीं है और आप कम से शुरू करना चाहते हैं तो आप उससे भी शुरू कर सकते हैं जी। और एक बार एड्रेस गाइड कर दीजिए मैम, एड्रेस कहाँ पड़ेगा थोड़ा देखिए। हमारा जो ऑफिस है वो नवादा में पड़ता है, मेट्रो से अगर आप ट्रेवल करते हैं तो मेट्रो पिलर नंबर आप जानते होंगे 746 के पिलर नंबर के बिल्कुल सामने हमारा ऑफिस है। अगर उसके बाद भी आपको एड्रेस में कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा डिटेल्ड एड्रेस विद करंट लोकेशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। पहुंचने में अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हमारे ऑफिस से एक इंसान को आपको लेने के लिए भेजा जाएगा और वो आपको हमारे ऑफिस तक लेके आएगा। है ब्लिस्टर पैकिंग के लिए आपको एक डाई अवेलेबल कराई जाती है जो आपने देखी थी, उसके बाद पेपर प्लेट की आपको एक डाई सेटअप के साथ अवेलेबल कराई जाती है, हीटिंग प्लेट अवेलेबल कराई जाती है, स्ट्रैप टेबल और एक ग्राइंडर अटैच ड्रिल भी आपको अवेलेबल कराया जाता है। मतलब उसके बाद सारा सामान ही मतलब मिलेगा यहाँ पे बेसिक जो होता है, और ये ग्राइंडर होगा जो स्लीपर का ग्राइंडर भी है, ये भी आपको जी, जी, साथ मिलेगा। वैसे तो आपने कटिंग देखी थी काफी साफ सुथरी थी, लेकिन फिर भी ग्राइंडर की कभी कभी जरूरत पड़ी जाती है यहाँ पे, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी यहाँ पे।